हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल राजेश गुप्ता यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं राजेश, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। यहां सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके मोबाइल या पीसी पर नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और साथ ही साथ ये वीडियो हमारे ये फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस फेसबुक पेज को भी लाइक फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं या कुछ भी शेयर करूं पर्सनली तो आप एनी टाइम अपडेट रहा करेंगे हमारे साथ। हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। ये पार्ट 19 है, 19वां भाग है, और बाकी के 18 भाग आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। क्रिप्टो करेंसी टेक्निकल एनालिसिस पार्ट प्लेलिस्ट वीडियो, उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके उसको आप पूरा स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस सबसे पहले जरूरी है। तो उसको सीखने के लिए ये हमारा जो सीरीज है क्रिप्टो करेंसी टेक्निकल एनालिसिस का, इसको पूरा देखकर आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं और एक आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बताया हूं ये RSI के बारे में, इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पर क्लिक करके इसका देख लीजिएगा। ये RSI पे डाल दिया हूं वीडियो, इसके बाद MACD इसके ऊपर भी डाल दिया हूं। अब ये वीडियो है हमारा ये स्टोकेस्टिक पे, है ना। तो इसको कैसे आपको लगाना है, tradingview.com पर जब यहाँ पर आ जाएंगे tradingview.com पर, और यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ इंडिकेटर पर क्लिक करने के बाद, और सबसे पहले उसके पहले आप क्वाइन का सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा क्वाइन का हमें टेक्निकल एनालिसिस देखना है। जैसे मान लीजिए इथेरियम का देखना है तो यहाँ इथेरियम कर लीजिए, BTC का देखना है तो यहाँ BTC USD कर लीजिए। जो आपको देखना है वो यहाँ पे कॉइन आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कौन सा एक्सचेंज पर आप देखना चाहते हैं, जैसे कि आप बाइनेंस पर देखना चाहते हैं तो ये बाइनेंस यहाँ पर लिखा हुआ है इसके सामने वाला पर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये आपका कॉइन सेलेक्ट हो गया बिटकॉइन। अब यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा टाइम में आप देखना चाहते हैं, 1 आवर्स, 4 आवर्स या 1 डे। टाइम सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर इंडिकेटर सेलेक्ट करना है, यहाँ इंडिकेटर लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है STOCH, ठीक। इतना टाइप करेंगे ये आ गया यहाँ पर, ये ऊपर वाला, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये क्रॉस बटन पर क्लिक कर देंगे, ये इंडिकेटर आपका ये लग गया। अब ये इंडिकेटर में हम कैसे पता करेंगे कि हमें, जैसे मान लीजिए हम बिटकॉइन का ये चार्ट ओपन किया हूं, तो अब इसके जरिए, इस स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के जरिए हम कैसे पता करेंगे कि हमें बिटकॉइन कब खरीदना है, कब बेचना है, कब खरीद बिक्री करना है। तो जैसे कि आप RSI और MACD में आप देखे थे कि नीचे वाले इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड और ऊपर वाले को यहाँ पे बोलते हैं ओवरबॉल्ड, और यहाँ पर ये 20, यहाँ पर 20 है, 20 के नीचे जब आएगा तो इसको हम बोलेंगे ओवरसोल्ड, और यहाँ 80 के ऊपर जाएगा तो इसको हम बोलेंगे ओवरबॉल्ड। जब भी आप क्वाइन को बाय करेंगे, कब बाय करेंगे, जब ये पूरा ओवरसोल्ड हो चुका हो, पूरा यहाँ ओवरसोल्ड हो चुका है, ये 20, ये जो 20 है 20 के नीचे जब आपका आ जाता है, यहाँ पर आपको बाय कर लेना चाहिए। कब बाय करना चाहिए, जब ये ग्रीन कलर का जो लाइन है वो ऊपर हो जाता है और रेड वाला नीचे हो जाता है और ऊपर को मूव लेता है, उस टाइम उस क्वाइन को बाय कर लेना चाहिए। और सेल कब करना चाहिए, जब 80% टच कर देता है, 80% के ऊपर चला आता है, तब उस टाइम उस क्वाइन को हमें बेच देना चाहिए। अब यहाँ पर भी सिग्नल, अब यहाँ पर जैसे मार्केट गिरना स्टार्ट होगा तो ये ग्रीन कलर वाला लाइन नीचे हो जाएगा और रेड वाला लाइन ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ सेल करने का सिग्नल आ जाता है,
जैसे कि आप कहीं बेपी के कहीं पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ये 20% के नीचे आ गया। अब यहाँ पर हमें कहीं भी यहाँ से यहाँ तक हमें बाय कर लेना चाहिए क्वाइन को। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमें बाय कर लेना चाहिए, और सेल कब करना चाहिए, जब 80% के ऊपर आ गया तो यहाँ से यहाँ तक हमें इस क्वाइन को सेल कर देना चाहिए। यहाँ से यहाँ के बीच में हमें इस क्वाइन को सेल कर देना चाहिए। तो आराम से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से इतना तक आप प्रॉफिट ले लेंगे उस क्वाइन में। तो आप समझ गए, सिंपल सा तरीका है कि जब यहाँ 20% के नीचे यानी ओवर सोल्ड हो चुका है, 20% के नीचे आ गया है, तो यहाँ पर बाय का हमें एंट्री होता है, इंडिकेटर बाय का होता है। और जब ऊपर चला जाता है 80 के ऊपर, तो वहाँ हमें सेल का सिग्नल होता है, वहाँ पर हमें उस क्वाइन को सेल करके निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में वहाँ बिक्री हो गया है ज़्यादा, अब वहाँ पर लोग सेल करेंगे, तो आप वहाँ पर सेल करके निकल जाएं। वहाँ पर अब मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। और जब भी आपको खरीदना है, कोई भी क्वाइन को खरीदना है, तो आप यहाँ 20% के जब नीचे आता है उस टाइम में आप खरीदेंगे, तो उस टाइम से क्या होगा कि आपका जो मार्केट है अब उस टाइम से ऊपर ही जाएगा जाएगा, क्योंकि वहां पर पूरा ओवरसोल्ड हो चुका है, तो अब वहां से नीचे जाने का चांस नहीं रहता है, वहां से मार्केट ऊपर जाने का ही चांस रहता है। तो कभी भी आपको जब खरीदना है क्वाइन, कोई भी क्वाइन को, तो नीचे 20% के नीचे आ जाता है तभी आपको खरीदना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो आप समझ गए कि ये स्टोस्टिक इंडिकेटर आपको कैसे लगाना है और इसको कैसे एनालाइज करना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ आपको जानकारी मिला, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए।